प्रमुख रूप से हम आपसे बातचीत कर रहे थे पर्यावरण पर, सुपर टीटी के पर्यावरण पर, और इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने आपसे प्रमुख रूप से बातचीत किया था पारिस्थितिकी पर, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपने हमसे ये जाना हुआ था कि प्रमुख रूप से जो जीव के रहने का स्थान है वह हमारा पारिस्थितिकी, मतलब जीव के रहने के स्थान का जो हम अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ये तो आपने जाना हुआ था शाब्दिक अर्थों में। इससे आगे बढ़ करके जब हमने आपसे बात किया होता है इसकी टेक्निकल परिभाषा की, तो टेक्निकल परिभाषा के क्रम में आपने ये बात जाना हुआ था कि पर्यावास और निकेत दोनों मिल करके जो उनकी अंतःक्रिया है वही हमारा मूल रूप से क्या कहलाता है, वो हमारा मूल रूप से कहलाता है क्या, वो हमारा पारिस्थितिकी कहलाता था। ये बात आपने जाना था, उसके बाद हमने नोट्स बनाया हुआ था। अब आज के इस क्लास में जो सुपर टीटी का लेक्चर नंबर 5 होगा, इसके पहले लेक्चर नंबर 4 तक हमने आपसे बातचीत किया हुआ है, अब हम बात कर रहे हैं आपसे लेक्चर नंबर 5 की, और इस पे हम लेंगे पर्यावरण अध्ययन का पारिस्थितिकी तंत्र। अब अभी तक हमने पारिस्थितिकी को जाना हुआ है, अब हम बात करेंगे इसके तंत्र पर। तो चलिए, जब हम बात करते हैं आपसे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र हमने लिखा, तो अब देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिक या पारिस्थितिकी जब शब्द आप जान रहे थे तो आपने ये तो मूल रूप से जाना था कि एक शब्द पर्यावास और एक शब्द आपने जाना था क्या, निकेत। तो पर्यावास का सीधा सा मतलब था विभिन्न प्रकार के आवास का जो समूह था, एक व्यापक अवधारणा, उसको आपने पर्यावास कहा था। तो क्या हम पर्यावास को हम प्रकृति बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हम साहब इसको पर्यावास को हम प्रकृति तो कह ही सकते हैं, इतनी बात तो क्लियर है। और जो निकेत था, वो जो निकेत है इसको हम कार्यात्मक क्षमता या कार्यात्मक इकाई बोल सकते हैं, इसको हम कार्यात्मक क्षमता बोल सकते हैं। अब ये दो बातें जो हमने ब्लैकबोर्ड पे लिखा है ये परिप्रेक्ष्य में है पारिस्थितिकी के या पारिस्थितिक शब्द के। अब एक शब्द आपका बच गया है तंत्र, इसी को समझेंगे, और इसको समझने के बाद जैसे ही आपस में मिला देंगे, जैसे ही आपस में जोड़ देंगे, वो आपके पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हो जाएगा। तो अब जैसे ध्यान दीजिएगा, तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जैसे पारिस्थितिक तंत्र लिखे हैं तो इसको हम बोलते हैं इको, एस वाई एस टी ई एम, सिस्टम बोलते हैं। तो इको इकोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये आपको पता है, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो इसी सिस्टम को आप समझ लीजिए तो आपका जो समझ है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब सिस्टम कहते किसे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी कार्य को यूं ही कर रहा है, अस्त व्यस्त तरीके से कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में यह होता है कि जैसे आप अस्त व्यस्त तरीके से कर रहे हैं, कोई बड़ा आपसे मिला तो कहता है कि अरे थोड़ा सा ढंग से करिए, थोड़ा सा तरीके से करिए, थोड़ा सा काम को और सिस्टम से करिए। तो क्या होता है कि जब हम किसी काम को उसके करने के व्यवस्थित तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, सुसंगठित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, तो वही हमारा तंत्र या सिस्टम कहलाता है। तो जब हम किसी भी विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान को हम सिस्टम के लिए हम वैज्ञानिक अध्ययन तो बोल ही सकते हैं भाई, सिस्टम को अगर आप किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो हम इसको वैज्ञानिक अध्ययन बोल देते हैं। तो अब देखिए, बड़े सरल शब्दों में एक परिभाषा निर्मित हो गई। परिभाषा क्या निर्मित हो गई कि जब हम किसी स्थान विशेष पर प्रकृति और उस प्रकृति में जीव की कार्यात्मक क्षमता का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो यही हमारा वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। क्लियर हुआ दोस्त? बहुत ही सरल शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अर्थात इकोसिस्टम। तो देखिए, पारिस्थितिकी का मतलब हो गया प्रकृति और उसमें जीव के कार्य करने की क्षमता, इन्हीं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। और तंत्र क्या होता है, एक व्यवस्थित अध्ययन, और व्यवस्थित अध्ययन को ही हम वैज्ञानिक अध्ययन बोलते हैं। तो जब हम
किसी जीव की प्रकृति और उसके कार्य करने की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए और थोड़ा सा हम सरल शब्दों में हम आपको समझा दें। देखिए अगर हम बात करते हैं पर्यावरण में, तो पर्यावरण में एक घटक है कौन सा, हमारा एक घटक आप जानते हैं जिसका नाम है जैविक, एक है हमारा जैविक घटक, और परितंत्र में एक घटक हमारा है जिसका नाम है क्या, अजैविक है। तो अब दो बातें हो गया, एक है हमारा जैविक और एक हमारा क्या हो गया, अजैविक। जरा हमको ये बताइए दोस्त आप कि जैविक का मतलब क्या है। तो आप जानते हैं कि जैविक का सीधा सा मतलब है, जैसे हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, मनुष्य हो गए, आप इसके अंतर्गत जानते हैं कि इसमें पशु और पक्षी आते हैं, ये भी आप जानते हैं दोस्त, और इसके अलावा आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, तो यही हमारा जैविक है। और अगर एक शब्दों में हम इसका निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें तो आप बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि जो सजीव होते हैं वो हमारे जैविक हैं, और अजैविक में क्या है आप इसके पहले ही जान चुके हैं कि जो प्रकृति, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गए, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियां हो गई, नदियां हो गई, जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, ये सब हमारे मूल रूप से क्या है, जैविक और अजैविक है। तो आप अब देखिए समझना क्या, क्या जैविक अजैविक को प्रभावित करता है, हाँ या ना, हाँ करता है, और क्या अजैविक जैविक को प्रभावित करता है, तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जैविक अजैविक को और अजैविक जैविक को प्रभावित करता है, तो हम एक शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं, इसी को हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या, इसी को हम कहते हैं अंतः क्रिया, इसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, अंतः क्रिया। तो अब देखिए परिभाषा बहुत बहुत ही एकदम सटीक परिभाषा निर्मित हुई है कि जैविक और अजैविक के मध्य अंतः क्रिया, जैविक और अजैविक के मध्य अंतः क्रिया का जो वैज्ञानिक अध्ययन है यही हमारा क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मूल रूप से हमारा क्या है, ये हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र। अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक अगर हम शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो आपने जाना था कि प्रकृति और उसकी कार्यात्मक क्षमता, इसका वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र है, और दूसरे शब्दों में जैविक और अजैविक के मध्य जो अंतः क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है यही हमारा क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझ पाए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहले इसका एक नोट्स बनाते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम देखते हैं। तो हेडिंग आप बनाए होंगे पारिस्थितिकी तंत्र, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट आप डाल करके लिखेगा कि प्रकृति और जीव की, प्रकृति और जीव की जो कार्यात्मक क्षमता, प्रकृति और जीव की कार्यात्मक क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन, प्रकृति और जीव की कार्यात्मक क्षमता का कौन सा अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, ही परितंत्र, इसी को परितंत्र नाम किसका है, इको सिस्टम का। कहलाता है, ये पहली लाइन लिखिएगा जो आपने सबसे पहले समझा हुआ था। दूसरे लाइन के क्रम की ओर चलते हैं और दूसरे लाइन में आप लिखिएगा कि दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक के मध्य, जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया के मध्य अंतःक्रिया का एक वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र, या इसी को देखिए ये साठ नाम है, पारिस्थितिक तंत्र को साठ रूप में क्या बोलते हैं, हम परितंत्र बोल देते हैं। तो परितंत्र इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इको इकोसिस्टम कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? एक लास्ट लाइन और लिखनी है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे, एक जो यहां से मेमोरी लेवल का आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र, या इसी को हम क्या बोलते हैं, परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1935 ईस्वी में, किसने किया था? तो देखिए पारिस्थितिकी के लिए आपने जाना था कि 1866 ईस्वी में अर्नस्ट हैकेल ने किया था, लेकिन यहाँ के लिए आप ध्यान देंगे कि एक नाम आपको दूसरा याद रखना है, ए जी टांसले ने किया था, ए जी टांसले ने किया था। ये है हमारा मूल रूप से क्या, ये आप याद रखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम परितंत्र या इकोसिस्टम बोलते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वर्ष 1935 ईस्वी में किया था, ए जी टांसले ने इसका मूल रूप से प्रयोग किया था। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर हुआ मूल रूप से? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम हेडिंग बनाते हैं मूल रूप से पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की। हेडिंग आप बनाइएगा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की। अब हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की जब बात करते हैं तो ये मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा कौन सा प्राकृतिक होता है और एक हमारा कौन सा होता है, तो आप ध्यान देंगे एक होता है हमारा मानव निर्मित होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है हमारा कौन सा, मानव निर्मित। ये दो बातें ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक हमारा कौन सा होता है, एक होता है हमारा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक परितंत्र को पुनः फिर हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक हमारा होगा कि जो सौर किरण पर आश्रित है, सौर किरण पर आश्रित और एक हमारा होगा कौन सा, एक होगा जो वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित होंगे,
वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। अब चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम मानव निर्मित की तरफ हम बात करते हैं। अब सबसे पहले सौर, अब देखिए समझिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक से क्या तात्पर्य है, मतलब जो सीधे तौर पर क्या है, प्रकृति, मतलब वो परितंत्र हैं, इसकी वजह कौन है, प्रकृति, मतलब उनका रूप किस रूप का है, प्राकृतिक रूप से है, और ये वाला जो होगा ये हमारा मानव निर्मित होगा। तो देखिए पृथ्वी पर कुछ ऐसे परितंत्र हैं जिनके होने या उनके यहाँ पर मतलब कि मूल उनका कारण है सूर्य की किरणें, अगर सूर्य की किरणें उन्हें नहीं मिलती है तो वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, अर्थात वो परितंत्र नहीं कहला पाएंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें समुद्र की, तो अगर समुद्र पर सूर्य की किरणें ना अगर पड़े तो क्या समुद्र में जीव जंतुओं की आप कल्पना कर सकते हैं, और जब अगर आप जीव जंतुओं की कल्पना नहीं करेंगे तो जैविक, अब चूंकि अजैविक में आपका समुद्र का जल हो गया तो उसके अंदर जो मछली जीव हैं वो जैविक हो गए, तो जैविक और अजैविक के बीच अंतःक्रिया नहीं होगी, और जब जैविक अजैविक के बीच अंतःक्रिया नहीं होगा तो वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि समुद्र परितंत्र है, इसके पीछे कारण क्या है, सूर्य की किरण उस पर निरंतर रूप से पड़ती है, इतनी क्लियर है। अगर हम बात करें वन की, वन पे मृदा तो नीचे से है लेकिन अगर ऊपर से सूर्य की किरणें अगर उन पर ना पड़े तो क्या आप उसमें जीवन की कल्पना कर सकते हैं, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे वन हो गया, अब वन के अलावा जैसे हम नदियों की बात कर लेते हैं, नदियों के अंदर मछलियां बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, हम इसी प्रकार से मरुस्थल की बात कर लेते हैं, मरुस्थल में जो कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे जीव जो पाए जाते हैं, ये सब हैं, इसकी असली वजह क्या है, सौर किरण है। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी प्राकृतिक परितंत्र हैं जिनके होने की मुख्य वजह सौर्य किरण नहीं है बल्कि कुछ वैकल्पिक ऊर्जा है, और वो वैकल्पिक ऊर्जा क्या क्या हो सकता है, जैसे वर्षा हो गया, जैसे एक और हो गया जैसे ज्वार भाटा हो गया, ये भी हमारा मूल रूप से क्या हो गया। तो अगर हम वैकल्पिक ऊर्जा वाले अगर हम परितंत्र की आपसे बात करें तो आप सीधे तौर पर एक हमने लिखा हुआ है वर्षा वन, ये बताइए कि वर्षा वन में वर्षा का जल न जाए और सूर्य की किरणें निरंतर जाती रहें तो क्या आप उसमें जीवन मतलब उस वन का अस्तित्व आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो लेकिन सूर्य की किरणें न जाए वर्षा होती रहे तो वो बहुत बड़े नहीं होंगे लेकिन कुछ मात्रा में तो रह पाएंगे, तो वर्षा वन हमारा मूल रूप से जो है ये प्राकृतिक परितंत्र के वैकल्पिक ऊर्जा वर्षा पर आश्रित है। जैसे ज्वार भाटा की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आपने सुना होगा ज्वारनद मुख किसे कहते हैं आप जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिए ज्वारनद मुख किसे कहते हैं, जैसे दो नदियां हैं और ये आपस में आकर के बहती हैं और आकर के मिली और ये समुद्र में गिरने वाली हैं, तो अगर ये समुद्र में गिरने वाली हैं तो क्या ये सीधे समुद्र में गिरती हैं कि सबसे पहले किनारे पर आती हैं, तो आपका जवाब होगा कि समुद्र में गिरने से पहले उसके किनारे पर आती हैं। अब किनारे पर गिरती हैं जब ये तो आगे गड्ढा करती हैं और साथ ही साथ इनके द्वारा जो कूड़ा कचरा जो कुछ भी मलबा लाया जाता है ये आगे ढेर के रूप में क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये कूड़ा कचरा मलबा जो आगे की ओर इकट्ठा कर दिया जाता है तो इस पर क्या होता है कि ये अब नीचे से सड़ने लगता है और सड़ता है तो इसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए तो हो गया परितंत्र का निर्माण। अब देखिए मलबा रोज आ रहा है तो ये ऊपर ढेर लगता चला जाएगा तो नीचे जो जीव जंतु जो उसमें छोटे छोटे जो कीड़े जन्म लिए हैं वो तो मर जाएंगे दब करके। तो समुद्रों में एक क्रिया होती है जिसको कहा जाता है ज्वार भाटा, मतलब समुद्री लहरों का किनारे की ओर आना फिर पुनः चले जाना। तो समुद्री लहरें जब ये किनारे तक आती हैं तो ऊपर के मलबा को हटा करके लेके चली जाती हैं, फिर आती हैं हटा के लेके चली जाती हैं, और इसी का वजह है कि ये जो ज्वारनद मुख में छोटे छोटे जो कीड़े जीव
जीव जो बनते हैं वो जिंदा रहते हैं। तो अब बताइए ज्वारनद मुख के लिए ज्वार भाटा सबसे महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है या सूर्य की किरण? तो शायद आपका जवाब होगा क्या, ज्वार भाटा। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हम मूल रूप से लेते हैं आपसे बात कर लेते हैं किसकी, मानव निर्मित परितंत्र की। चलिए चलिए अब हम आपसे बात कर लेते हैं किसकी, मानव निर्मित परितंत्र की। मानव निर्मित परितंत्र, अब मानव निर्मित परितंत्र की बात करते हैं तो जैसे आपने प्राकृतिक परितंत्र को दो भागों में बांटा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से दो भागों में इसे भी बांटा जाता है। एक होता है जो सौर किरण पर आश्रित है, सौर किरण पर आश्रित, और एक होता है कि एक हो गया हमारा इसमें आएगा सौर किरण पर आश्रित, और एक हमारा इसमें आता है जीवाश्म ईंधन पर आश्रित। किसमें आता है, जीवाश्म ईंधन पर, जीवाश्म ईंधन पर आश्रित। अब दोस्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सौर किरण पर आश्रित की बात करते हैं तो एक नाम हमने लिया जैसे खेत। आप बताइए खेत जो परितंत्र है इसका निर्माण किसने किया है? तो आपका शायद जवाब होगा किसने किया है, मानव ने किया है। अब ये बताइए खेत पर अगर सूर्य की किरणें ना पड़े तो क्या आप उस पर फसल, मतलब वहाँ पे वृक्ष जो छोटे छोटे जो आप वृक्ष उगाते हैं क्या उगा सकते हैं? और नहीं, और खेत हमारा मूल रूप से अजैविक है, मतलब अजैविक इन द सेंस मृदा पाई जाती है तो अजैविक है, और उस पर जब पौधे उगाते हैं तो जैविक, और जैविक अजैविक के माध्यम से होता है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया हो गया तो खेत हमारा परितंत्र का उदाहरण हो गया। अब खेत पर सूर्य की किरण आवश्यक होती है इसलिए सौर किरण पर आश्रित मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण क्या है, खेत है। इसी तरीके से जैसे हमने एक बात और कर लिया आपसे, किसका, तालाब का कर लिया। अब जरा आप ये बताइए कि हम तालाब की आपसे बात करते हैं, अगर तालाब पर सूर्य की किरणें ना पड़े तो जो उसमें जल है उसमें मछली और जो छोटे छोटे जीव जंतु जो उसमें जन्म लेंगे, क्या वे जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जैसे खेत हो गया, तालाब हो गया, ये वे मानव निर्मित परितंत्र हैं जो पूरी तरीके से आश्रित हैं किस पर, सौर किरण पर आश्रित हैं, अर्थात इनके जीवित रहने की वजह कौन है, सूर्य की किरणें हैं, सौर किरण। इतनी बात क्लियर हुई। जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं, सबसे पहले आपको ये समझिएगा। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो देखिए आप जैसे कुछ प्राचीन समय में जो हमारे मृदा के नीचे दब गए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बहुत सारी चीज़ें दब गई और वो लंबे समय तक दबे रहने के पश्चात वे परिवर्तित होकर के जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला पेट्रोलियम खनिजों में परिवर्तित हो गई। तो जैसे ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया और विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा निकल रही है, तो अब एक तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो जैसे कोई लकड़ी टूट गया तो जो सूखी हुई लकड़ी है वह भी परितंत्र की भाषा में क्या है, जीवाश्म है। तो आप जरा हमको ये बताइए दो परितंत्र का हम नाम लिखते हैं, जैसे एक है हमारा शहर, शहर आप जानते हैं, क्या शहर का अस्तित्व बिना जीवाश्म ईंधन के, इसमें जो मानव है जैसे उसको गैस न मिले, उसको विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुएं रसायन न मिले, तो क्या ये उसके बिना जीवित रह सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। और इसके साथ ही साथ अगर हम ग्रामीण परितंत्र की बात करते हैं तो क्या ग्रामीण परितंत्र के अंतर्गत भी, आप जरा हमको बताइए कि इनको भी अगर जीवाश्म ईंधन ना मिले तो क्या ये जिंदा रह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो मानव निर्मित परितंत्र में जीवाश्म ईंधन पर आधारित अगर पूछता है तो आपका होगा शहरी परितंत्र और ग्रामीण परितंत्र। क्लियर हुआ। अब चलिए इसके नोट्स कैसे बनाना है, अब प्रकार बनाया, प्रकार के बाद आप बनाएंगे प्राकृतिक परितंत्र, हेडिंग बनाइएगा प्राकृतिक परितंत्र।
प्राकृतिक परितंत्र। अब इसके बाद यहाँ से डैश देकर के लिखिएगा कि यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। और पहला बनाइएगा, पहला बनाएंगे आप सौर किरण पर आश्रित, सौर किरण पर आश्रित। डैश देकर के लिखिएगा वह प्राकृतिक परितंत्र, वह प्राकृतिक परितंत्र जिनका जिनका पृथ्वी पर जिनका पृथ्वी पर होने की वजह जिनका पृथ्वी पर होने की वजह पूर्णतः या मुख्यतः सूर्य की किरणें हैं, उन्हें सौर किरण पर आश्रित परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे समुद्र हो गया, नदियां हो गई, घास के मैदान हो गया, वन हो गए, जैसे मरुस्थल हो गया, इत्यादि। ठीक है, ये आपका नोट्स का भी यहाँ से काम होता जाएगा और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आप नोट्स भी बनाते चले जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, अब आते हैं दूसरा नंबर। इसमें हेडिंग बनाया हमने वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित, वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। जैसे हमने लिख दिया था वर्षा हो गया, और जैसे हमारा क्या हो गया, ज्वार भाटा हो गया आश्रित। ठीक है, अब यहां से लिखिएगा वे परितंत्र जिनके पृथ्वी पर रहने का मुख्य वजह और यहाँ पे लगा लीजिएगा प्राकृतिक, क्योंकि ये शब्द मेंशन करना बहुत जरूरी है। वे प्राकृतिक परितंत्र जिनके पृथ्वी पर रहने का मुख्य वजह सूर्य की किरणें न होकर अन्य होता है, अन्य होता है। जैसे अब यहाँ ये जैसे, इस जैसे में यहीं पे लिख लीजिएगा जैसे वर्षा, और आपका क्या ऊपर आपने लिखा है वर्षा हो गया, और जैसे ज्वार भाटा इत्यादि। अब लिखिएगा इस परितंत्र का उदाहरण
तो अब इसका उदाहरण जैसे क्या हो गया, जैसे हो गए हमारे वर्षा वन हो गए, जैसे हमारा हो गया क्या ज्वारनद मुख हो गया, ये हमारा प्रमुख रूप से उदाहरण किसका है। तो ये सीधे तौर पे हमारा उदाहरण है क्या, ये हमारा उदाहरण हो गया वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित वाले परितंत्र की। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ लेंगे हम दोस्त, और आप यहाँ पे हेडिंग बनाए हुए थे कौन सा, आपने हेडिंग बनाया होगा कि मानव निर्मित परितंत्र की। तो अगर हम बात करें मानव निर्मित परितंत्र की, तो इसमें भी आपने दो हेडिंग बनाया था। अगर हम पहले की अगर हम आपसे चर्चा करें, तो आपने हेडिंग बनाया था कि सौर किरण पर आश्रित परितंत्र। ठीक है, सौर किरण पर आश्रित परितंत्र डैश देकर के लिखिएगा। यह परितंत्र का वह प्रकार है, या ऐसे लिखेगा, यह मान एक सेकेंड, इसको मानव निर्मित शब्द में नहीं लिखा, यह ऐसे लिखेगा, हाँ, यह मानव निर्मित परितंत्र का वह प्रकार है, यह मानव निर्मित परितंत्र का वह प्रकार है जिसके अस्तित्व का मुख्य कारण सूर्य की किरणें होती हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे हमने आपको बताया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या खेत लिख सकते हैं, आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या तालाब लिख सकते हैं, ये पूरी तरीके से किस पर आश्रित है, सौर किरण पर। इसके साथ ही साथ एक और आपने लिखा था जो मानव निर्मित का दूसरा प्रकार था, जिस पे को हेडिंग बनाना है आपको क्या कि जीवाश्म ईंधन पर आश्रित परितंत्र। तो अगर हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन पर आश्रित परितंत्र की, तो आप डैश दिख करके लिखिएगा कि यह मानव निर्मित परितंत्र का वह प्रकार है जिसके अस्तित्व की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये थोड़ा सा लिख लेंगे तो स्पष्ट रहेगा, पेट्रोलियम, कोयला, ऊर्जा, गैस, इत्यादि है। जैसे आप यहां पर लिखिएगा, जैसे शहरी परितंत्र हो गया, और जैसे क्या हो गया,
जैसे ग्रामीण परितंत्र, ये प्रमुख रूप से। ये यहाँ पे आपको क्लियर हुआ और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए, ये प्रमुख रूप से हमने परितंत्र पर परितंत्र क्या है मूल रूप से उसके प्रकार पर विस्तार पूर्वक बातचीत किया, और इसके साथ ही साथ अब सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट पर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।